तो फिलहाल हम पहुंच चुके हैं भीमशिला के पास। देख सकते हो जो 2013 में आपदा आई थी, जो भगवान शंकर का मंदिर बचाया था वो भीमशिला ने बचाया था। तो दिखाते हैं आपको भीमशिला। ये भीमशिला वही जो बिल्कुल मंदिर के पीछे है एकदम, जस्ट देख सकते हो आप सामने मंदिर दिखाई दे रहा है आपको। और ये भीमशिला दिखाते हैं आपको, ये देखिए भीमशिला है। ये 2013 में जो आपदा आई थी, पेड़े जल पेड़े आई थी, उसी को जो भीमशिला ने मंदिर को रोका था। ये भाई भीमशिला है, आप देख सकते हो काफ़ी बड़ी चट्टान सी भीमशिला है जो मंदिर जिसने मंदिर को रोका था। और सामने देख सकते हो मंदिर, बाबा केदार का मंदिर दिखा रहा हूँ आपको सामने। देख इधर ये भीमशिला देख सकते हो आप, भीमशिला एकदम बिल्कुल मंदिर के पास में यानी कि आकर रुक गई थी मंदिर के बीचों बीच, पीछे की ओर सामने मंदिर बाबा केदारनाथ का। उधर सामने प्रसाद के लिए लाइन लग रही है, सामने प्रसाद की लाइन देख सकते हो आप, काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है बाबा केदारनाथ के मंदिर पर। और सामने आपको रुकने के लिए होटल मिल जाएंगे, ये सामने जो होटल है यहाँ पे बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए आ सकते हो आप। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है भक्तों की, और यहाँ पे कुछ बाबा लोग बैठे हैं नीचे, आपको दिखा रहे हैं देख सकते हो। और सामने देख सकते हो ग्लेशियर, यानी सामने ग्लेशियर दिखाई दे रहे हैं ये। तो 2013 में जो आप जाई थी इधर पीछे से आई थी ग्लेशियर से, सामने ग्लेशियर है ये बाबा केदारनाथ के मंदिर के पास का ग्लेशियर दिखा रहा हूँ आपको। और एक चीज़ और मैं सीधना चाहता हूँ आप लोगों, अगर आप दर्शन करने आ रहे हो बाबा केदारनाथ के, अपने साथ में कुछ कपूर उपूर लेकर जरूर आना है। तो ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम है यहाँ पे, पीछे ग्लेशियर देख सकते हो आप, ग्लेशियर दिखा रहे हैं आपको हम। और काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे देख सकते हो, भीमशिला पे आपको दिखा रहा हूँ मैं। काफ़ी भक्तजन आए हुए हैं दर्शन कर रहे हैं बाबा केदारनाथ के मंदिर के। और आपको पीछे का दिखा रहा हूँ मंदिर का व्यू, देख सकते हो यहाँ पे भीमशिला है यहाँ पे। 2013 की आपदा आई थी। और पीछे की ओर दिखाते हैं और आपको देख सकते हो यहाँ पे जहाँ से पानी खूब सारा जहाँ से आया निकल के। और यहीं पे कार्य चल रहा है देख सकते हो, जेसीबी लगी हुई है ऊपर, यहाँ पे कार्य चल रहा है बाबा केदारनाथ के मंदिर के पीछे की ओर आपको दिखा रहा हूँ मैं। और पीछे हमारे देख सकते हो आप ग्लेशियर हैं जो सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रहे हैं आपको, वाइट वाइट यानी कि ग्लेशियर हैं। यहीं से पानी आया था 2013 में निकल के, यानी कि जो ग्लेशियर पिघल गए थे, जो आपदा आई थी काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आई थी, जल सैलाब जो आया था। तो देख सकते हो कितनी भीड़ है भक्तों की मंदिर के पास, आपको दिखा रहा हूँ मैं भाई। 1000 से ज़्यादा भक्तजन है दर्शन करने आए बाबा मंदिर केदारनाथ के, ये देख सकते हो आप। हर हर महादेव लिखते रहे। तो गाइस देख सकते हो हम आपको ओम दिखा रहे हैं बाबा केदार की घाटी में, जो ओम रखा गया है पिछले साल वो दिखा रहा हूँ मैं आपको, काफ़ी बड़ा ओम है ये। तो दोस्तों मैंने आपको ओम दिखा दिया, और ओम के पास ही आपको दिखाता हूँ मंदिर के दर्शन के लंबी जो लाइन लगी हुई, देख सकते हो आप कितनी लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ पे। सभी भक्तजन जितने ज़्यादा सब दर्शन करने के लिए जा रहे हैं बाबा केदार के दर्शन के लिए, आप देख रहे हो काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है ये, आप समझ सकते हो यानी कितने समय से लगे हुए हैं, क्या बजे लगे हुए हैं, 4-5 बजे सब यात्री लगे हुए हैं लाइन में दर्शन करने के लिए। और जैसे कि आप देख सकते हो बाबा के दर्शन करने के लिए भक्तों की लाइन देख सकते हो, 1 से 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है। अगर आपको दर्शन कर रहे हैं जल्दी, ज़्यादा भीड़ नहीं मिले तो आपको सुबह ही लगना पड़ेगा 3 या 4 बजे लाइन में, जब आपका नंबर जल्दी आएगा, नहीं तो आपको काफ़ी 5-6 घंटे लग जाएंगे दर्शन करने के लिए। और सामने आपको देख सकते हो ग्लेशियर दिखा रहा हूँ आपको, ये मंदिर के पीछे ग्लेशियर है, सामने बाबा का मंदिर देख सकते हो आप दिखाई दे रहा है यहाँ से।
जय बाबा केदारनाथ लिखते रहें कमेंट बॉक्स में। ये देखिए ग्लेशियर पीछे पीछे सब ग्लेशियर है। बाबा भैरव का मंदिर भी दिखाते हैं आपको, देख सकते हो आप बाबा भैरव का मंदिर ये है पास में। और भाई देख सकते हो मंदिर की लाइन कितनी लंबी लाइन लग रही है, कम से कम समथिंग लाइन जो होगी हो 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन लगी मंदिर की। देख सामने ब्रिज है, ये यहीं से मैं मंदिर की लाइन एंट्री से स्टार्ट हो जाती है। आप देख सकते हो काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है दर्शन करने के लिए भक्तों की। बाबा केदारनाथ की आपको दिखा रहा हूँ ये अपडेट में। और दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करना, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ऐसी ही जानकारी मिलती रही हमारे यूट्यूब चैनल पर केदारनाथ की। और भाई ग्लेशियर देख सकते हो आप, कितना ग्लेशियर सामने से दिख रहा है, ऊपर बर्फ़ बर्फ़ है सामने, उधर की साइड बर्फ़ बर्फ़ दिखाई दे रही है पहाड़ों पर।